हर दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में ठीक आप हाथ उठाओ, किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा, उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे। सर हमारे लिए धन्यवाद कि आज हमारा खेत में आप आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। चलो चलो, अरे इनको जान लो, हां लो मना जी थोड़ा सर को आराम से है। महिला को आंदोलन कचरू भाई पीले पड़ गए, तो ये पूरा पीले पड़ गए हैं, फली लगी नहीं ढंग से। इस तने को अगर अपन तोड़ते हैं तो इसके अंदर इल निकली, फंगस निकला है, इसके अंदर फंगस आ गई है, अंदर इल निकली है, तो ये इल ने पूरे तने का पोषक नष्ट कर दिया, यहाँ से पोषक डिसकंटिन्यू हो गए, इल निकलने इसके कारण आगे उसकी प्रोग्रेस पूरी। दो घंटे के पानी में, सिर्फ दो घंटे पानी गिरा उतने में सर ये दो दिन कटेगा है। इसमें कीड़ा भी आ गया, बारिश वाला ये कीड़ा भी लगा है, इसमें कीड़ा लगा है, और अचानक बनाता है बिल्ली इसी कीड़े से, इसके अंदर से कोई सर अचानक इसकी ये मरी नहीं। जहाँ तक पूरी फसल, अरे मोबाइल पीछे करो, मोबाइल पीछे करो, अरे मोबाइल के अंदर तो मानने वाले नहीं यार, इनसे तो कर लो मोबाइल। मौजिक बीमारी आई और फसलों को सोयाबीन की उसने तबाह किया, अरे मोबाइल नीचे करना, और किसान भाई मोबाइल नीचे कर ले, बाइक चिंतित और परेशान है। एक सप्ताह पहले ऐसे हालात नहीं थे, कई जगह तो तीन दिन में चार दिन में ही मेरे पास समाचार आना शुरू हुए। अब मैं ऐसे में बैठ नहीं सकता आराम से। किसान संकट में हो और शिवराज बैठ जाए, ये हो नहीं सकता। ये बात सही है कि कोरोना ने अर्थव्यवस्था की भी कमर तोड़ दी है, लेकिन फिर भी इस संकट की घड़ी में ठीक आप हाथ उठाओ, किसानों की पूरी सहायता करेंगे। फसल बीमा योजना की तिथि बढ़ के 31 अगस्त हो गई है। फसल बीमा योजना का लाभ मिले और उसके साथ साथ बाकी जो आवश्यक व्यवस्थाएं किसान की, वो सब मैं करूंगा। आज मैं यहाँ देखने आया हूँ, कल भी मैं कुछ जिलों में फसलें देखूंगा, उसके बाद किसानों के लिए हम रणनीति बनाएंगे। किसानों की तकलीफ में पूरी तरह से साथ है, उस तकलीफ से बाहर निकाल के ले जाएंगे।